हमाद मान गया है? That's fantastic. हाँ भाई, ये मौजा भी हो ही गया। अगर कहीं वो तुम्हारा इंतजार कर रही है तो तुम्हारी ये हालत देखकर वो कितनी तकलीफ में होती होगी। चलो तैयारी करो, हम तीनों वापस यूएस जा रहे हैं। तुम आज भी मेरे कहने पर चले आए, ये तुम्हारी सआदतमंदी है मियाँ कि तुम मुझसे इजाजत लेने आ गए हो, वरना इस घर ने तुम्हें सिवाय मायूसी और महरूमी के कुछ नहीं दिया। मैंने हमेशा तुम्हें इस घर से तही दस्त और खाली हाथ ही भेजा है। वाह मेरे मौला, जिसके लिए दिल उदास किया उसे अपने दोस्तों के पास खुद ही भेज दिया। वहां जाकर अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी बहन को भूलना चाहिएगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा, तुम हमारे साथ ही चल रहे हो ना? बेयकीनी हमेशा से तुम्हारी पुरानी आदत रही है, अब कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें? तुमने यकीन करने ही कब दिया? इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। क्यों, रेस्ट करवाने का इरादा है क्या? आप नहीं जानते कि आप लोग मेरे लिए कितने अहम हैं। पता नहीं क्यों मुझे आज भी लगता है कि वो आप ही के अंदर बसी हुई है, आप ही उसके आइडियल थे मौलवी साहब, उससे वाबस्ता हर बात आप ही से मुतालिक। आपकी इजाजत के बगैर ये शहर ये मुल्क छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। यार तो वाकई जा रहा है, कमाल आदमी हो बकरा। जब सारा सारा दिन यहाँ प्लेटफॉर्म पे पड़ा रहता था तब कहते थे घर जाओ अपनी जिंदगी बना, और आज जब जा रहा हूँ तो रोक रहा है। मेरी दुआ है कि मुकद्दर तुम्हारे दिल पर लगे हुए घाव जल्दी भर दे। जाओ बेटा, अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर। अच्छा ये बताओ कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई तो कर दिया ना मेरे लिए? All done, buddy. वैसे मुझे उस लड़की पर बहुत रश करता है। कोई कैसे चेंज कर सकता है किसी की लाइफ ऐसे? मैंने कभी सोचा भी नहीं था, शायद इसी को जादू कहते हैं। तुम उससे अगर एक बार मिल लेती तो अपने सारे सवालों के जवाब खुद ही पा लेती। जा रहे हो? इन सबको छोड़ के जाते हुए मुझे सिर्फ इस बात का इत्मीनान है अब्दुल कि तुम मौलवी साहब के साथ हो। इससे ज्यादा मैं कुछ कहने की जरूरत महसूस नहीं करता। अपना ख्याल रखना मेरे भाई। तुम भी अपना ख्याल रखना। पर बहू तो परदेश क्यों जा रहा है? पढ़ाई तो इधर भी हो सकती है। किसने कहा है कि मैं पढ़ाई के लिए परदेश जा रहा? सिर्फ इसलिए जा रहा हूँ कि आज तक जो कुछ पड़ा था उसको भी अपने दिल से मिटा दूँ। मेरी दुआएं तो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी, मेरा कोई अपना बेटा तो है नहीं, कि अगर आज के बाद कोई पूछेगा ना तो मैं तुम्हारा ही नाम लूंगी। खुश रहो बेटा, खुदा हमारे नसीब की भी खुशियां तुम्हें लग जाए। अपना बहुत ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखिए। ये तेरी बातें ना ना पहले अपनी समझ में आती थी ना आ जाएंगी। जा भी रह, खुश रह, लेकिन एक बात याद रखना बाबू, अपने इसको पूरे को ना भूलना। मुझे बहुत से काम करने, तुम भी अपनी पैकिंग कर लो। ओके, मिलते हैं। इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी मैरी। तुम क्या जानो वो जाते जाते तुमसे क्या सिलसिला जोड़ कर गई है। ये सिलसिला कुछ और ही है। हमाद भाई, जाने से पहले आप ही से मिलके जाइएगा, वो आपकी राह देख रही होगी। वो जो तुम्हारे अंदर बसती है, तुम्हारे अंदर जीती है, हर पल तुमसे बात करती है, उससे मिलने के लिए मिट्टी के ढेर पर आने की क्या जरूरत पड़ा?
मुझे यकीन है कि आइंदा जब भी आपका नाम किसी हवाले से मेरे सामने आएगा तो उसके साथ ये जोक और खुद को जला देने वाली बातें नहीं होंगी। यही मेरी आखिरी मता है और एक मजबूर की इल्तिजा। शहर या मुल्क की तब्दीली से सिर्फ मेरा जिस्म तुमसे कुछ फासले पे जा रहा है। तुम्हीं ने कहा था ना कि मुझे अपने रिश्ते निभाने होंगे, सो देखो मैं रिश्ता निभा रहा हूं ईमान, लेकिन मेरा जिस्म तुमसे चाहे कितना भी दूर चला जाए, मेरी रूह हमेशा यूं ही तुम्हारे आसपास रहेगी। और मैं दुनिया में कहीं भी रहूं तो मेरी रूह में ही बसी रहोगी। हमेशा। कैसी हो? बहुत खुश क्योंकि तुम जो यहाँ आ गए। अच्छा, हेलो, मैं भी यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे भी सलाम कर लो। कैसी हो? मैं तुम्हें भूल ही गई थी। अब ये मत कहना कि मैडी की यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन कराना भी भूल गई हो। मैडी का कोई काम हो और मैं ना करूँ, ये हो सकता है क्या? गाइस बहुत भूख लगी है, पहले घर ना चले, मुझे भूख नहीं लगती। अरे गबरू जवान, नहीं लगी तो अभी भूख लग जाएगी। चलो चलो रेस्टोरेंट चले। कामी, मुझे तुम्हारा रेस्टोरेंट बिल्कुल नहीं पसंद, वहाँ का खाना बहुत बुरा होता है। हम कहीं और चलते हैं, राइट मैरी? हेलो, मेरा खाना यहाँ पे सबसे फेमस है ह्यूस्टन में, लोग उंगलियाँ चाटते रह जाते हैं। अच्छा अच्छा, बच्चों की तरह मत लड़ो, पहले घर चलते हैं उसके बाद में रेस्टोरेंट चलेंगे, ठीक है? हाँ चलो, हम आज कामी को बैग दे दो, वो गाड़ी तक ले आएगा। ये बड़ा बैग में ले जाता हूँ, कामी तो छोटे बैग। थैंक यू भाई, थैंक यू, कूली बना के रख दिया। चल बेटा कामी, जो मसल बनाया ना इस्तेमाल कर। ब्रश कर लिया, अब ठीक हो? तुम घर नहीं गए? अरे कामी कहाँ है? रेस्टोरेंट गया है वो, रात को देर से आएगा। और मैं इसलिए रुक गई क्योंकि तुम्हारा एडमिशन फॉर्म कल यूनिवर्सिटी में सबमिट करना है। क्यों कर रही हो इतनी तकलीफ? मैं कर लेता है सब कुछ। तुम्हारा काम करने में तकलीफ नहीं, खुशी होती है मैरी। और अमजद अंकल ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है तो निभानी तो पड़ेगी। अपनी यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन करा दिया और कितना ख्याल करोगी मैं? ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है, बस तुम इंटरव्यू की तैयारी करो, मे बी तुम्हारा कल इंटरव्यू हो जाए। ओके चलो मैं खाना लगाती हूँ। रवि, तुम और खाना, ये कब सीखा? माम पीछे पड़ गई थी तो इट वाज अ क्रैश कोर्स। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ सीखना पड़ता है मैडी। चलो मैं खाना बनाती हूँ।
बस आई होप सेलेक्ट हो जाओ। क्यों नहीं सेलेक्ट करेंगे तुम्हें? यू आर सच अ गुड स्टूडेंट। नहीं गुमसुम क्यों हो गया तुम मैरी? नहीं और भाई तुम्हें उस गम से पीछा छुड़ाने के लिए यहाँ लाए। अगर उसकी याद में रहोगे तो कैसे चलेगा वो गम और उसकी याद? वो तो शायद मेरी जिंदगी के साथ ही जाएगी। तुम छोड़ो इन बातों को, तुम्हारी क्लास में सोचा। अगर कुछ काम हो मुझे टेक्स्ट कर। थैंक्स सर। मुझे पूरा यकीन है कि मैं इस जहान में नहीं तो ना सही ले जहान में आपके साथ जरूर होंगे। I'm sorry. Are you blind? Are you new here? Yeah. Indian? No, Pakistani. हाँ कामी, कहाँ है यार? मैं यहाँ पार्किंग लॉट में तेरा वेट कर रहा हूँ। किधर? हाँ हाँ फार्मेसी के सामने ही खड़ा हूँ यार। अरे नहीं, कांट सी यू मैन। लगता है ऐसे लिटरेचर और ऐसे लोगों से बहुत मुतासिर हो तुम यंग मैन। हाय सर। सर आपने मुझसे कुछ कहा, मैं समझा नहीं। मसला यही तो है तुम जैसी जहनियत रखने वालों का। समझते किसी की नहीं हो लेकिन करते अपने मन की हो। सर मेरा ख्याल है आप मेरी इस किताब को और मुझे देख के कुछ कंफ्यूज हो रहे हैं। आपको गलतफहमी हुई है? ऐसी कोई बात नहीं। किताब का कवर हो या इंसान का चेहरा, देखने से ही अंदाजा हो जाता है यंग मैन। हुई नाम जहां में कभी हुकूमत इश्क, सबब ये है कि मोहब्बत जमाना साज नहीं। एक इस्तराब मुसलसल गायब हो के वजूद, मैं खुद कहूं तो मेरी दास्तां दराज नहीं। वाह
सुभान अल्लाह, लेकिन इकबाल के अशार तो शाहीनों के लिए हैं। आप यहाँ मछलियों को सुना रहे हो? मियाँ ना तो यहाँ पे इकबाल है ना उसके शाहीन है, बस ये मछलियाँ हैं। इन्हीं को अशार सुना देता हूँ। बहजाद लखनऊ, इंडिया से ताल्लुक है, हम आदरगा पाकिस्तान से। बड़ी अच्छी बात, कोई तो है जो इस शहर में अच्छी उर्दू बोल लेता है और समझ लेता है। आप यहीं आसपास ही रहते हैं क्या? हाँ, मेरा अपार्टमेंट यहीं करीब में है। और तुम? मैं भी यहाँ पास ही रहता हूँ, पढ़ने के लिए आया हूँ। आप क्या करते हैं? मैं किताबें पढ़ता हूँ, यहाँ मछलियों के आके दाना डालता हूँ। पास ही एक मस्जिद है, वहाँ 5 वक्त की अजान देता हूँ। मस्जिद, अजान और आप? लेकिन आपका हुलिया तो मौलवियों वाला नहीं है। मियाँ ये अमेरिका है, वो कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेस। कभी आना मस्जिद में, बैठ के तफसील से बात होगी। जरूर। अच्छा लगा तुमसे। मुझे अल्लाह हाफिज। वो लड़का देख रहे हो? वही लड़का जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। हाँ हाँ, डोंट वरी अबाउट हिम सर। आई थिंक आई हैव ऑलरेडी बीन थ्रू ऑल दिस। दिस हमार, ये खबर सही है, तुम्हारा एडमिशन रोक दिया गया है। यूनिवर्सिटी के सर डीन आइज़क तुम्हारा एक और इंटरव्यू लेना चाहते हैं। लेकिन क्यों? मैं इंटरव्यू दे चुका हूँ, फिर दोबारा क्यों दूँ? आई डोंट नो, लेकिन तुम्हें एक और इंटरव्यू देना पड़ेगा, वरना तुम्हारा एडमिशन कैंसिल हो सकता है। हो जाए, ये आखिरी यूनिवर्सिटी नहीं है, मैं किसी और यूनिवर्सिटी में चला जाऊँ। लेकिन मैरी, मैं चाहती हूँ कि तुम यहीं रहो। अगर तुम यहाँ नहीं रहोगे तो मैं भी इस यूनिवर्सिटी छोड़ दूँगी। ये क्या पागलपन है रवि, तुम मेरी वजह से अपना सेमेस्टर क्यों जाया कर रही हो? तो फिर दो ना इंटरव्यू, प्लीज, मेरी खातिर। डोंट वरी अबाउट हिम सर, मैं इसे देख लूँगा। लीव दिस टू मी। आई गॉट इट। मैं पूछ सकता हूँ मुझसे दोबारा इंटरव्यू क्यों लिया जा रहा है? सवाल तुम नहीं, मैं पूछूंगा मिस्टर हम्माद अमजद रजा। पूछिए सर। चंद एक सवाल हैं जो सिर्फ मैं अपने इत्मीनान के लिए पूछना चाहता हूं। जी। तुम मजहबी रुझान और मजहबी जहनियत के हामिल हो, आई मीन ये सब चीजें तुम्हारे अंदर बिल्ट इन हैं या कहीं से सीखी हैं? हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? मजहब मेरा जाती मामला है सर ऐसक। जाती मामला उस वक्त तक था जब तक तुमने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं किया था। यहां पढ़ने के लिए तुम्हें मजहबी नहीं महजब बनना होगा, और यहाँ के तमाम तर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो भी करना होगा, ओबे करना होगा। यू अंडरस्टैंड? बिल्कुल ठीक है आपने सर, लेकिन मेरा ख्याल है महज़ब वही होता है जो मज़हब के यूनिवर्सल कानून की पाबंदी करे। और जहाँ तक बात रहेगी इंतहा पसंदी की, तो किसी एक इंसान के गलत फेल का सारा इल्ज़ाम किसी मज़हब या कौम पर मुसलत नहीं किया जा सकता। यहाँ यूनिवर्सिटी में रहते हुए मैं यहाँ के हर कानून पे अमल करने का पाबंद हूँ। यू मस्ट बी, वरना मिस्टर अहमद तुम्हारा इस जगह पे पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जानता हूँ सर। वेल,
You may leave. Thanks. Thank you, sir. Hi, Jesse. I would like to request, just keep an eye on this new boy, Mr. Hamad Amjad Raza. Interview clear hua? Kya? Aise kaise kar sakte tumhare saath? Main abhi tak se pagal ho gayi ho kya? Ho gaya clear. Really? I'm so happy. Maine bataya tha na. क्यों नहीं सिलेक्ट करने की? सिलेक्ट ना करने की तो बहुत सी वजह थी, लेकिन सिलेक्ट करने की सिर्फ एक ही वजह थी, वो मुझे लाजवाब नहीं कर सकते थे। कुछ बात तो है इस लड़की में, लड़की को देख के पता नहीं मुझे क्या हो गया। ऐसा लगता है कि सारी दुनिया टाट की बनी है और वो अकेली है जो मखमल का पैबंद लगी खड़ी है। देखो, अगर तुम यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहते तो चुपचाप मेरे साथ बाहर चलो। ये लो पेन किलर्स, आराम आ जाएगा। अगर तुम हॉस्पिटल चले जाते तो बेहतर होता, लेकिन तुम मेरी बात नहीं मानते। थैंक्स। कम ऑन, लेट मी टक यू इन। कम ऑन। आराम करो। If you need anything, let me know, okay? Kami, एक मिनट। अब कैसा है? पेन किलर्स खाकर सो गया है, सर पर चोट लगी है उससे। कौन लोग थे वो, ये सब कुछ कैसे हुआ? झगड़ा किस बात पर हुआ ये नहीं बताया मैरी ने, लेकिन वो सारा और उसके बिगड़े हुए दोस्त, उनकी वजह से मैरी की हालत है ये। मुझे समझ में नहीं आती कि ये परेशानी को जाकर गले लगा लेता है या परेशानी खुद चलकर इसके पास आती है। देखो राबी, अंकल आंटी ने हमें ट्रस्ट करके इसे हमारे साथ यहाँ भेजा, और वो ऑलरेडी इतने नाजुक मोड़ से गुजर रहा है,
इसकी हमें इतनी फिक्र करनी पड़ेगी कि इसे किसी भी किस्म की तकलीफ ना हो। कामी, तुम जानते हो मैरी मेरे लिए कितनी अहमियत रखता है। मैं इससे कुछ नहीं होने दूंगी, यकीन रखो। क्या हो गया तुम? ऐसे मुझे कह बैठे हो जैसे मर गया हूं। हमार, खबरदार ये बात दोबारा कही तो। देखो, तुम दोनों को मैंने समझाया है कि लोगों को गलतफहमी हो गई थी, किसी पे बात बढ़ गई और वो गुस्से में आ गए। पहले क्यों नहीं बताया तुमने? उन गोरी चमड़ी वालों का दिमाग अच्छी तरह ठिकाने लगाना जानता हूँ। कमरान, कल यूनिवर्सिटी में देख लेंगे उन्हें, छोड़ूंगी नहीं मैं उन्हें। पागल हो गया तुम दोनों, कुछ नहीं करोगे समझे? देखो, सारा को छोटी सी बात पे गलत फहमी हो जाएगी। हैरत है यार, ये वो मैडी कह रहा है जो खुद एक जमाने में किसी से भी गया हो। ये वो मैडी नहीं रहा जो छोटी सी बात पे अपनी अना का मसला बना लिया करता था। तुम हो गया वहां, बेहतर है तुम भी ये बात नहीं करो। أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الله مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم। भाई तुम्हें मस्जिद में देख के बहुत खुशी हुई। वैसे तो नमाज घर पे ही पढ़ता हूँ, लेकिन आपकी दावत याद आ गई तो मैंने सोचा कि मस्जिद में नमाज पढ़ी जाए। मुझे नहीं पता था कि मेरी बात तबलीग बन जाएगी और तुम फजर की नमाज पढ़ने मस्जिद में चले आओ। भाई सच्ची बात यह है कि आज की नौजवान नस्ल इन बातों का क्या ख्याल रखती है। सच पूछिए तो मुझे भी ख्याल नहीं रहता, वो तो आप जैसे मेहरबान ने मुझे मस्जिद की राह दिखा दी। ओहो, सच्चाई का इतराफ भी कर लेते हो भाई, बड़े गहरे आदमी लगते हो। ठीक आप, किनारा हाथ से छूट जाए तो गहराई ही आ जाती है। खैर, जाने दीजिए। आपका नाम काफी शायराना सा लगता है, शायरी वायरी से भी शौक है क्या? यूं समझ लो मियाँ के एक आध मिसरा कह ही लेते हैं, लेकिन अब ये मत कहना कि एक मौलवी का शायरी से क्या काम। बिल्कुल नहीं, आपको देखिए तो मुझे पाकिस्तान में एक मेहरबान याद आ गया, रहमतुल्लाह नाम था उनका। ज़हे नसीब भाई, खूब गुजरेगी तुम्हारे साथ। फिर क्या, आज क्यों नहीं, आज ही घर पे चलिए ना, चाय हो जाए। नहीं नहीं, आज एक जरूरी काम है। चलेंगे, जरूर चलेंगे और चाय भी पिए। हाँ, एक बात याद, नमाज जरूर पढ़ो। जरूर, ठीक। अल्लाह अल्लाह। ट्रस्ट म्यूजिक में सारी रात बैठ के साइमन करते रहे। चल ठीक है, मैं यूनिवर्सिटी में ही हूँ, आके ले लेना, ठीक है? ऑलराइट, बाय। हाँ, ये कोर्स बहुत आसान है, अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो मैं नहीं बताऊँगा, बताओ किसको। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मैट, व्हाट द हेल हैव यू डन? पागल हो तुम, क्यों पीछे पड़ गए मेरे? हाँ, खबरदार जो तुमने मैंने को एक दफ़ा भी कहा तो। Did you just point your finger at me? Gabi. Point my finger? Gabi, who do you think you are? Gabi? Huh? Who do you think you are? You have not done so much to me. Chalo yahan se. Chalo. I was gonna slap her. Achha, relax, how relax. Can how can she talk to you like that? I was gonna slap her. Acha acha, relax, relax. Kitna gussa hone ki baat hai. Kitna gussa hone ki baat hai. Chalo. Maddie nahi aaya? Nahi. Main samjhi wo tumhari taraf aaya hoga. Apartment mein bhi nahi hai. Fikar not, fikar not. Walk ke liye gaya hoga. No, Kami, you don't understand. शाम को हमारा सारा के साथ झगड़ा हो गया था, मुझे घर छोड़कर चले गया, फोन भी नहीं उठा रहा। God, Ravi, मैंने तुम्हें समझाया भी था यार। Please, Kami, ढूंढो उसे, अगर उसको कुछ हो गया ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। Bye.
मैरी। अरे यार शुक्र है तुम्हें होश तो आया। मुझे उठाना यार। आराम से मैरी। थैंक्स। बस सही है, मैं ठीक हूँ। थैंक्स। सॉरी यार, मेरी वजह से तुम लोग इतने परेशान हो रहे हो। मुझे उम्मीद है कि तुमने मार खाकर बेहोश होने से पहले उन लोगों को भी सॉरी कहा हो। दिस इज इनफ यार। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, ये तुम्हारी हालत मेरी वजह से हुई है। वो कोई और लोग थे, मुझसे पैसे वगैरह छीनने की कोशिश कर रहे थे। I was just mugged. नहीं, ये सब सारा ने करवाया। यार दिस इज इनफ यार, बस बहुत हो गया। उनके खिलाफ एक्शन लेना होगा। उन्होंने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की है यार। अभी मत बोलो कॉमी, तुम दोनों को भी सारा की तरह कोई गलत फहमी हो रही है। प्लीज मेरी बात पे यकीन करो, जो कुछ हुआ उसमें सारा का कोई कसूर नहीं था। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। तुम उन लोगों को जानते ही कितने दिन से हो, ये सब उन्हीं लोगों का काम है और इस बार मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। रवि कमी रोको उसे, जाओ उसके पीछे रोको उसे। रबी कुदरत जिन्हें मोहब्बत अता करती है उनके बड़े इम्तिहान लेती है। तुम्हारे भी बड़े इम्तिहान होंगे, लेकिन मैं यकीन से कहता हूं कि आखिरी फतह तुम्हारी होगी। Is it really you? उसने तुम पे हाथ उठाया और तुम मुझे कह रही हो मैं खामोश रहूं, कुछ ना करूं? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से और कोई हंगामा हो। मैं नहीं चाहती कि हमारे किसी झगड़े की वजह से यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट पापा को और कुछ कहे। You know, I love him a lot. मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन पापा को अब तक नहीं देख सकती थी। इसलिए तो अभी तक खामोश हूँ, वरना तुम्हें कोई हर्ट करे ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन फिलहाल मुझे तुम्हारे असाइनमेंट की फिक्र हो रही है। तो मुझे बार है अचार टू जो जो एंडी वो कर लेगा एंडी। बहुत बड़ी गलती की है तुम लोगों ने, अब मेरे जवाब के लिए तैयार है। सारा आइजी जीशान अहमद, मिस रिबेका की कंप्लेन है कि आप दोनों ने मिलकर मिस्टर हम्माद पर अटैक करवाया है और इन्हीं के मुताबिक ये कि हम्माद इस वक्त शदीद जख्मी है। क्या मैं जान सकता हूँ व्हाट्स हैपनिंग हियर? कुछ नहीं सर, यहाँ पे इल्जाम लगा रही है, बल्कि कल इसने हमें थ्रेट किया था। सर सच है सर, इन्हें कुछ गलत फहमी हुई है। नहीं, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, इन दोनों ने हमाद की जान लेने की कोशिश की है। आप अभी इनके खिलाफ कोई एक्शन लें। आप मुझे मत सिखाएं मिस्टर बेकर। ये सब इसकी चाल है सर। सच तो ये है कि पिछले काफी दिन से हमाद मुझे तंग कर रहा था। मैं नहीं जानती किस चीज का बदला ले रहे हैं ये हमसे। ये झूठ बोल रही है, हमाद ऐसा लड़का नहीं है। सब जानते हो कैसा लड़का है सर। इस ब्लडी टेररिस्ट। वॉच योर टंग ज़ीके। दैट्स एनफ। निशान, आप दोनों जा सकते हैं। थैंक यू सर। व्हाट? आप इन दोनों को ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं? मिस्टर बेका, अगर मिस्टर हम्माद को इन दोनों के खिलाफ कोई शिकायत है तो उनसे कहें कि वो खुद आकर यहाँ कंप्लेन करें। ओके, नाउ यू मे लीव एंड गो बैक टू योर क्लास। सीरियसली सारा, तुम मुझ पे शक कर रही हो?
रिबेका हमें फंसाने की कोशिश कर रही है। मैं शक नहीं कर रही, मैं सिर्फ यही कह रही हूँ कि मुझे रिबेका की बातों में सच्चाई महसूस हुई। और तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? कम ऑन सारा। मैं सिर्फ इतना ही कह रही हूँ कि अगर तुमने कुछ नहीं किया तो किसने करवाया हम आप पे अटैक? छेड़ा हो किसी लड़की को, हो गई होगी धुलाई। अब हर कोई हमारी तरह खामोश तो नहीं रहता। Now forget about this. Let's go for the class. ऐसा ना ये क्लास भी मिस हो जाए। You're right. लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब मैंने तुम्हें मना किया था कि सरायजी के पास ना जाओ तो तुम क्यों गई? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि गलती सायरा या जिशान की नहीं थी, तो फिर कब तक झूठ बोलोगे मैरी? मैंने सब पता करवा लिया है। तुम पर अटैक करने वाले जिशान के फ्रेंड्स थे, लेकिन मुझे इस बात पर गुस्सा आ रहा है कि सर आइजक ने उनका साथ दिया। पता नहीं किस बात का बदला ले रहे हैं तुमसे। शायद मेरी शनाख्त उन्हें परेशान कर रही है, इसलिए। नहीं मैरी, सर आइजक ने इसलिए एक्शन ले लिया क्योंकि सारा उनकी बेटी है। क्या सारा उनकी बेटी है? हाँ, और जीशान उसका कजन है। Are you blind? बहुत ही बिगड़ी हुई। मैं तुम जैसों के साथ बात करना भी अपनी इंसल्ट समझती हूँ। किताब का कवर हो या इंसान का चेहरा, देखने से ही अंदाजा हो जाता है। यंग मैन, इंडियन पाकिस्तानी। Disgusting.